हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार ही किता है वैक्सीन वैक्सीन बारे समझ लग गई है ना, वो नहीं करा के इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से देख लो कितने ज़्यादा यूजेज है गया। ये जेडे ही रोजाना की रसोई जी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना ज़्यादा यूज होंगे कहने तो अं कह दें अं दही जमा लगे हैं, पर जेकर साइंस पढ़ी बच्चे ने वो की कहेंगे अं लैक्टोबैसिलस जोड़ा वो पाया वो प्रोडक्शन जी है पॉपुलेशन वधूगी दही बनूगा है ना। अं यीस्ट पाई है वो जिहड़ा हैगा उहदा खमीर पा के आटे दे विच कार्बन डाइऑक्साइड वधी पई है ना, उहदी खटास है जिहड़ी वह भी वधी पई है। होर भी अं बड़ी सारी चीज़ा जिहड़ियां पढ़ चुके हैं है ना, जिहड़ा अं पढ़ी है। होर की पढ़िया सी आपां कि अल्कोहल बनाने विच भी इहदा यूज़ हुंदा है, वाइन बनाने विच भी इहदा यूज़ हुंदा वा, एनवायरमेंट नूं क्लीन भी कर दिंदे आ है ना, बड़ी सारी वैक्सीन बन जांदियां वा जिहदे नाल अं ह्यूमनस की जिहड़ी मौत दर आ उहनां नूं घटाया गया है ना। अज अं पढ़ांगे इनक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति। हुण जदों पॉपुलेशन वधदी पई है अपने इंडिया दे भी बहुत ज़्यादा वधदी पई है ना, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जी बहुत ज़्यादा वधदी पई है, तो लोगों के खाण पीन के लिए रोटी भी जी है वो फसल भी जड़िया वा उन्होंने भी वाधा होना चाहिए है, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति दे वाधा होगा तो ही इन दीज़ों के वाधा होएगा। तो अजे कुछ बैक्टीरिया से गया कहें ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल जोड़ा वा वो प्ले कर रहा है। किस तरह हम बहुत सारिया जोड़े सब्जियां भी तुम मान के चलो बहुत सारी सब्जियां है वा जिन्होंने वजन फूलन के लिए नाइट्रोजन चाहिए है, केड़ी केड़ी है मटर होर बीनस राजमा यह सारिया जड़िया चीज़ा है इन्हों वजन फूलन के लिए नाइट्रोजन जी है बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी है। तो हम नाइट्रोजन जी होंगी तो एटमोसफेयर एटमोसफेयर 78% की हैगी है नाइट्रोजन। कहते सम बैक्टीरिया 2.7 इन्होंने कहा आखो बैक्टीरिया की शक्ल उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर विखाई है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया इनू ब्लू ग्रीन एलगी भी कहने हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए भी जरूरी है साइनो बैक्टीरिया, या फिर जिन्हें अगो प्लस वन के मैडिकल करना है ना ये अगे जाके पढ़ोगे साइनो बैक्टीरिया बारे ब्लू ग्रीन एलगी बारे। अगो कहते भी सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% की ही है नाइट्रोजन ही है। हुण एटमोसफेयर तो सॉयल के नाइट्रोजन कौन लैके आ रहा है, बैक्टीरिया कौन लैके आ रहा है, बैक्टीरिया। हुण उन्होंने एटमोसफेयर तो लली तो टू इनरिच सॉयल, सॉयल को इनरिच करता विद नाइट्रोजन एंड इनक्रीज इट्स फर्टिलिटी। हुण जो सॉयल के आ गई नाइट्रोजन तो फर्टिलिटी होगी इंक्रीज। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। हुण इहो जिहे बैक्टीरिया जिहड़े नाइट्रोजन की अमाउंट नूं फिक्स कर देंदे आ एटमोसफेयर तो सॉइल दे विच नाइट्रोजन लैके आउंदे आ इनरिच कर देंदे सॉइल नाइट्रोजन इनरिच कर देंदे आ सॉइल दे विच नाइट्रोजन नूं, उहनां नूं की कहंदे आ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, उहनां विचों इक किहड़ा हैगा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे। ठीक है, हुण नैक्सट टॉपिक है क्लीनिंग द इनवायरमेंट। इनवायरमेंट को क्लीन करने के इन्हों का की रोल है। ठीक है, बोजो तो भी वी हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर, खाद बनाते हुए इन्होंने माली को देखा, अलोंग विद योर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ द प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसिज एंड गार्डनस, दे पुट दैम इन अ पिट, खड्डे दे विच उन्होंने की किया ये सारा कुछ पाता, मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। उन्होंने की किया, उन्होंने वेख्या माली जिहड़ा वा वो खाद बनाउंदा पिया, उन्होंने इकट्ठे हुए सारे जने बोजो पहेली तो दोस्त हुए इकट्ठे हुए तो उन्होंने सारा कुछ वेस्ट जिहड़ा कलैक्ट किया प्लांट्स आ वैजीटेबल्स आ की इकट्ठा किया, छिलके उन्होंने इकट्ठे किए होने सारिया चीज़ों के सारे घरों के इकट्ठे कर ले, गार्डन तो भी इकट्ठे कर ले, एक उन्होंने खड्डा जिहा खोदिया उहदे विच सारा वेस्ट उन्होंने जाके पाता। कुछ टाइम बाद ये नहीं कि 10 मिनटों के बाद, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ हफ्तों बाद गए उत्थे, उन्होंने वेख्या वो सारा जिहड़ा उन्होंने छिलके वगैरह पाए ही ऑर्गेनिक वेस्ट पाया उन्होंने एक भी चीज़ उत्थे प्लास्टिक दी नहीं लिखी, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट ही प्लांट्स वैजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, वो सारा कादे विच कन्वर्ट हो गया खाद दे विच मैन्योर दे विच। बोजन पहली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन्ड, उन्होंने कहा किस तरह हो गया ये एक्टिविटी जी है वो 2.5 अं देखते हैं बाद में, पहले ही वेखा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द टू, वेखनी पैनी है। केंद्र टेक टू पॉट्स, दो गमले लो एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉयल, अद्धी अद्धी मिट्टी भर लो उन्होंने एक नो ए दे दो नाम दूजे नो बी नाम दे दो, पुट प्लांट वेस्ट इन
पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी पुट द पॉट असाइड ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 or 4 weeks मतलब महीने के बाद वेखो है ना की क्या उन्होंने दो गमले ले लो अद्धी की मिट्टी पा लो एक गमले का नाम ए दे दो दूजे का दे दो बी एक दे विच उन्होंने की क्या पाओ एक दे जिहड़ा बी हैगा पहले अं बी की गल कर लें बी दे विच उन्होंने क्या पाओ पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लास लफाफे लफूफे टुटा भज्जा बोतल प्लास्टिक दियाँ सारिया प्लास्टिक दियाँ चीज़ा पा दो पोर्ट बी दे विच पर पोर्ट ए दे विच की पाना है पौद्या का वेस्ट मतलब ऑरगैनिक वेस्ट है ना हुण दोनों नूं रखता गमलियां नूं 3 to 4 weeks बाद उन्होंने वेख्या मतलब महीना ही ला लो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पोर्ट्स हाँ जी हमें डिफरेंस तो पता एक दे विच ऑरगैनिक वेस्ट है दूजे विच पॉलीथीन वगैरह उन्होंने चीज़ा पाई हुई जिहड़ा खाद बनाने योग खाद बनन दे योग नहीं है इफ सो वट इज़ द डिफरेंस यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन डीकंपोज्ड जिहड़ा पौद्या का वेस्ट ही गमले पहले दे विच ए वो डीकंपोज्ड हो गया वो खाद बन गई हाउ डज दिस हैपन किस तरह हो गया कहिंदे जिहड़ा पौद्या ने वेस्ट ही ना वो खाद दे विच किन्ने कन्वर्ट किया माइक्रोब्स ने अही जो चैप्टर पहला पढ़िया ही उहदे विच एक चीज़ ही कि जिहड़ी हुंदी आ मिट्टी ते पानी इन्हां दे विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुंदे है ना अही पढ़िया ही सब तो पहला माइक्रोब्स इन्हां दे विच प्रेजेंट हुंदे आ हुण वो माइक्रोब्स ने की किया उन्होंने वो चीज़ों खाना स्टार्ट करता जो उन्होंने चीज़ों खाना स्टार्ट किया ना उन्होंने कंपलैक्स चीज़ा होंदिया हूँ छिलका वा वो एक कंपलैक्स फॉर्म है जो उन्होंने उन्होंने छोटे छोटे सिंपल भागों के डिवाइड किया तो वह की बन गया वो खाद बन गई द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसैस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन हूँ वो जी खाद बन गई है वो खाद दोबारा पौद्या दिती जा सकती है उन्होंने आपे ले लेनी उन्होंने ये अपने पौद्या ने अपने न्यूट्रिशन के लैनी पर जोड़ा बी हैगा है ना जिसे अभी पॉलीथीन पाया कच्च का बोतल बोतल जी पाई वो की केंद्र है वो बिल्कुल ही वो चेंज नहीं आया यदा मतलब जिड़ी चीज़ के चेंज नहीं आया हूँ वो हाँ इनवायरमेंट के लिए कि ज़्यादा हानिकारक हो क्योंकि वह कई कई साल तक इस तरह ही पई रही है ना द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम टू मैन्योर कहते माइक्रोब्स वो उत्ते एक्ट ही नहीं कर पाए उन्होंने खा ही नहीं पाए तो जो खाएंगे नहीं तो उन्होंने मैन्योर कितों बना लेनी यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड सम टाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम दिस इज बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इन टू सिंपल सबस्टांसिस कहते तो ही बड़ी सारी वेखा होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जिहड़ा तुसीं वेखते रहिंदे जे आसे पासे डैड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जिवें हुण कई जिहड़े पौधे आ उह अपनी जड़ तो उखड़ जांदे आ है ना इस तरह ही पए हुंदे आ है ना तो कई बार की हुंदा है मरिया होया एनीमल भी सड़कां ते पिया हुंदा है पर जेकर उहनूं ना भी चुकिया जावे कुछ टाइम बाद आपे उत्थों गायब हो जांदा उह गायब नहीं हुंदे उह हुंदा की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ते पए हुंदे आ मिट्टी दे विच उह उहनां उत्ते एक्ट करना शुरू कर देंगे तो जो उन्होंने एक्ट करना शुरू किया न्यूट्रिएंट्स जोड़े है मतलब वो तो जो चीज़ा बनिया है ना उन्हों तो वो वापस मिट्टी के चल देंगे वो मिट्टी में जोड़ी भी चीज़ उन्होंने मिक्स हुई है वो वापस प्लांट्स ले लेंगे है ना यदा मतलब प्लांट्स के द्वारा वो सारिया चीज़ा जोड़िया यूज़ कर लिया गई अगों की कह रहे हैं दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मैली सबस्टांसिस एंड नियर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट इस करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो हार्मफुल मटीरियल है हाँ वास्ते तो हार्मफुल ही है ना कि ज़्यादा स्मैल आती है जो कोई चीज़ मरी होंगी लागे जाके है ना पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेकर प्रेजेंट हो कुछ ही टाइम बाद साफ कर देंगे एक्चुअली होएगा कि उन्होंने मिट्टी के मिला देंगे वो कंपलैक्स फॉर्म है वो बड़ी सारी चीज़ों का बनया उन्होंने उन्होंने खा खू के सिंपल जी फॉर्म के धरती के मिक्स कर देना कार्बन वो अलग कर देनी बाकी जोड़ा भी वो मटीरियल प्रेजेंट है अलग अलग कर देना इस करके जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हाडे इनवायरमेंट को क्लीन करने के बहुत व्डा रोल जोड़ा वा वो प्ले करते हैं ठीक है अगों अं पढ़ना है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बारे अही हूँ तक पढ़ते आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जोड़े साढ़े फ्रेंड्स ही उन्होंने बारे हूँ अं पढ़ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जोड़े साढ़े दुश्मन है मतलब हार्मफुल है साढ़े लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज बहुत वेज हार्मफुल है कि तरह
सब तो पहली गल ये सानू बीमारियां लगा सकते हैं, सिर्फ सानू नहीं ये एनीमल्स नू भी बीमारियां लगा सकते हैं, प्लांट्स नू भी, फसलां खराब कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताइयों तो दवाइयों का छिड़काव करना पैंदा है ना। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। हुण जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उन्हां नू की कहांगे पैथोजेंस, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां नहीं फैलाते है ना। अहीं स्पैशली उन्हां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नू स्पैसीफाई करन दे लई जिहड़ी बीमारियां फैलाते उन्हां नू अहीं की कहिंदे आ पैथोजेंस। हुण क्वेश्चन आएगा इहदे विच्चों वट आर पैथोजेंस, आंसर की होएगा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। हुण बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े आ खाना खराब कर देंदे, हुंदा की आ अहीं कह देंदे खाना खराब हो जूगा जेकर अहीं इहनूं फ्रिज विच रखांगे नहीं, पर अहीं इहदे पिछली कदी कहानी नहीं समझी है ना क्यों हुंदा। हुण अहीं उही वेखांगे क्यों हुंदा, खाना खराब कर देंदे आ, साडे कपड़े खराब कर देंदे आ, लैदर दीआं बणीआं होईआं चीज़ां भी खराब कर देंदे आ। हुण अहीं इहदे बारे पढ़ना है नैक्सट वीडियो दे विच, मैं तुहानूं इहदे बारे पढ़ानी है, ठीक है।